हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम आपका बैक बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जितना सवाल बताया हूँ और जितने कॉन्सेप्ट लगवाया हूँ उतना ही सॉल्व करना, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सवाल निकल जाएंगे आपसे। ओके, तो बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड हम पढ़ रहे थे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग एंड बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्ड तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो यार, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब बैक बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहली बात तो सीधे पूछ देता है, देखो बैक बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड उन्हीं कंपाउंडों में पाया जाता है जो डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात याद रखो कि दोस कंपाउंड कंटेन ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड विच कैन एबल टू फॉर्म डाइमर या पॉलीमर, जिसमें डाइमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, उसी में तुम्हारा ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है कि विच इज नॉट फॉर्म डाइमर और विच इज फॉर्म डाइमर, कौन सा डाइमर बना सकता है, कौन सा डाइमर नहीं बना सकता है। तो उसके लिए दो पॉइंट मैंने लिखे, जस्ट अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले वैरायटी का सवाल तो ये हो गया कि कौन सा डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दूसरी वैरायटी का सवाल ये होता है कि जो भी हमारे कोर्स में डाइमर या पॉलीमर हैं उनके लिए पूछता है कि किस में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, किस में नहीं है। देखो, द नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइबोरन, डाइबोरन हमारे कोर्स में, उसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछ रहा है। ठीक है, ये भी हमारे कोर्स में Al2Cl6 है, Al2CCS3 का होल 6 भी है हमारे कोर्स में। ठीक है, तो जो भी हमारे कोर्स में है उन सब चीज़ों के लिए देखो ये भी पूछता है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट भी पूछता है। ठीक, और इसी तरह ये भी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है कि पूछ देगा आपको किस में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, और किस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट है, किस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब दूसरी वैरायटी जो होती है वो और दूसरी तीसरी वैरायटी ऐसे आती है कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी स्ट्रक्चर आपके बनेंगे उस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ देता है। जैसे कि मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ एक्स दे देगा, इनकी वाई दे देगा, तो और एक्स वाई में कंपेरिजन दे देगा। ठीक है, या फिर ऐसे करके इनकरेक्ट फाइंड द इनकरेक्ट मैच देता है कि Al2C6 में क्या थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, मतलब ऐसे ही सवाल बनेंगे आपके। ठीक है, Al2C6 और का मतलब Al2CCS3 का होल स्ट्राइक और का ऑल कार्बन सार एटम SP3 हाइब्रिडाइज, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। देखो मेनली क्या पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में पूछ देता है, और दूसरी चीज़ क्या, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछता है। ये जो बॉन्ड बने हैं उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, और जो टाइप ऑफ बॉन्ड है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, उस टाइप का पूछता है सवाल। तो देखो जो पूछता है सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, हाँ जो बता रहा हूँ उतना प्रिपेयर करो, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो मैंने क्या बताया, ऐसे कंपाउंड में ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड पाया जाता है जो डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन से कंपाउंड डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो याद रखो कि ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, और साथ ही साथ नॉट इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग में क्या हो, इन्वॉल्व नहीं हो। क्योंकि बैक बॉन्डिंग में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और मेन कंडीशन है कि जो भी डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन वही करेंगे जिसका जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन तभी इसलिए करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अगर उसका ऑक्टेट पहले ही मतलब कंप्लीट है तो डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन क्यों करेगा। ठीक, तो इसलिए वही कंपाउंड डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा जिसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, और साथ ही साथ वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि बैक बॉन्डिंग जब होती है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जस्ट अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही कंपाउंड डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं एक्सेप्ट BeCl2 में बैक बॉन्डिंग होती है, फिर भी ये क्या बोलता है आपका डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है, जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसका भी रीजन क्यों करता है। ठीक, और ये बात याद रखिए कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं कैन नॉट फॉर्म डाइमर या पॉलीमर। ठीक, क्योंकि डाइमर और या पॉलीमर फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी होती है, कोवेलेंट कंपाउंडों की होती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ध्यान दो जैसे कि मैंने बताया ना जो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो, जैसे BH3 ले लेते हैं हम और एक BF3 लेते हैं, तो BH3 में देखो इसका भी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक, BF3 में भी ऐसा होगा, इधर हाइड्रोजन, सॉरी इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। देखो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और एक के पास लोन पेयर हो। ठीक, तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या बोला, लोन पेयर है, तो ये यहाँ से कोऑर्डिनेट कर देता है।
ठीक है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग होती है, बोरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ क्या होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और देखो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हुई है उससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो 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 दो, छः छः इलेक्ट्रॉन थे, बैक बॉन्डिंग हो गए कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट जब ठीक है, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वो डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग अगर नहीं हो रही है तो ये अपने एक भाई और मिलके B2H6 मॉलिक्यूल बना लेगा, जिससे इसका ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीट होता रहता है, ठीक है, कैसे कंप्लीट होता रहता है अभी मैं बताऊंगा। ओके, अब BeCl2 कैसे डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि BeCl2 में के में देखोगे ना, BeCl2 में सॉरी बोरोन, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन होगा, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ दो यहाँ, अगर बैक बॉन्डिंग भी हो रही है तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये बोला कि बैक बॉन्डिंग, ठीक हो, बैक बॉन्डिंग हो और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो वो कंपाउंड क्या बोलेगा, डाइमर या पॉलीमर नहीं बनाएगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग हो रही हो फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो भैया मेरे वो डाइमर या पॉलीमर बनाएगा, और मेनली यही बेरिलियम होता है जिसमें बैक बॉन्डिंग भी होती है फिर भी ये डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कंपाउंड डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे जिनमें बैक बॉन्डिंग हो जाए और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और मैंने क्या बताया था कि आयनिक कंपाउंड भी तुम्हारा नई फॉर्मेशन करते हैं, जैसे Al2O3 हो गया, AlF3 हो गया और AlCl3 हो गया, इनमें से कौन डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये दोनों आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये दोनों आयनिक कंपाउंड होते हैं, और ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ये अगर आपको नहीं भी पता है तो वो बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन भी लगा के आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, अल्मोनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ अल्मोनियम है, फ्लोरिन है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग होगी तो वो डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल रीजन ये होता है कि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे आयनिक होते हैं, एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है 1.6 होती है, और क्लोरीन की ऑक्सीजन की होती है आपके 3.5, डिफरेंस देखेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस आपका 1.9 डिफरेंस आ रहा है, और फजान्स रूल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 1.7 से ज़्यादा है, ठीक है, 1.7 से ज़्यादा है तो ऐसा कंपाउंड क्या हो जाता है, आयोनिक हो जाता है, ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो ऐसा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.9 आ रहा, आयनिक हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम की 1.6 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, तो 4 - 1.6 कितना आ जाएगा आपका, 2.4 आ जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो कम्प्लीटली आयनिक होता है ये, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन का 3.1 होता है और इसका होता है आपका 1.6 होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.5 आएगा, 1.7 से कम है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जो होता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयन्स के फॉर्म में, Al+3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और O-2 के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या एफ माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्यों बनाएंगे भाई डाइमर या पॉलीमर, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो दो ही बातें याद रखना कि ऐसे ही कंपाउंड डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, अगर और क्या साथ ही साथ वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और बेरेलियम का ये BeCl2 एकमात्र होता है जिनमें बैक बॉन्डिंग होती है और क्या होता है, ये डाइमर और पॉलीमर दोनों बनाता है, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो डाइमर या पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, बात सही है, इतना सही है, तो पहली वैरायटी का सवाल ऐसे ही करना, बैक बॉन्डिंग चेक करना ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो देखो देखो यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट फॉर्म डाइमर, इसमें से डाइमर कौन नहीं बनाएगा, मैंने क्या बोला AlF3 आयनिक होता है और साथ ही साथ यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ये वो नहीं बनाएगा, AlCl3 डाइमर बना नॉट फॉर्म डाइमर बोल रहा है ना, तो AlCl3 बना लेगा, BH3 बना लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है डाइमराइज होगा, उसी तरह BeH2 यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है ये भी क्या करेगा डाइमराइज होगा, देखो तो ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ बैक बॉन्ड क्या ना डाइमराइज कर जाएंगे, लेकिन AlF3 नहीं करेगा क्योंकि आयनिक होता है, साथ ही साथ इसमें बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक,
ऐसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एबल टू फॉर्म डाइमर, कौन सा डाइमर यहाँ पे बना सकता है। ठीक, यहाँ पे AlF3 आयनिक है, नहीं बनाएगा। Al2O3 आयनिक अभी बताया मैंने, नहीं बनाएगा। BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, अभी जस्ट मैंने बताया बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वो डाइमर या पॉलीमर नहीं बनाएगा। AlCCS3 देखो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता ही नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। तो AlCS3 का होल थ्राइज डाइमराइज होकर तुम्हारा Al2CCS3 का होल सिक्स बना लेता है। ठीक है, क्योंकि CH3 के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है, बैक बॉन्डिंग यहाँ हो नहीं सकती, और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, तो ऐसे पहचानना। कुछ सिंपली जिसको पूछे ना, सिर्फ BeCl2 में बैक बॉन्डिंग होती है और वो डाइमर पॉलीमर बना लेता है, बाकी सबका ऐसे चेक कर सकते हो कि किस जिसमें बैक बॉन्डिंग होगी वो डाइमर पॉलीमर नहीं बनाएगा, और जिसमें नहीं होगी वो बना लेगा। ठीक है, इसमें नहीं हो रही बना लेगा, इसमें भी नहीं हो रही बैक बॉन्डिंग, इसमें भी नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, या तो एलिमेंट सेकेंड सेकेंड पीरियड को, या तो सेकेंड और क्या हो थर्ड पीरियड को, यहाँ दोनों थर्ड पीरियड के हैं। ठीक, तो बैक बॉन्डिंग से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन डाइमर बनाएगा कौन सा पॉलीमर बनाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब चलते हैं हमारे कोर्स में जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, थोड़ी उनकी आत्मा को बाहर निकालते हैं यार। देखो हमारे कोर्स में जो भी कंपाउंड है, बोरोन का है तुम्हारा BH3 है हमारे कोर्स में। ठीक है, बेरिलियम का तुम्हारा BeH2 है, और तुम्हारा BeCl2 है। इनका डाइमर और पॉलीमर दोनों है, सिर्फ बेरिलियम का ही पॉलीमर है, बाकी सबका डाइमर है। तो बेरिलियम डाइमर और पॉलीमर दोनों बनाता है, क्योंकि इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, दो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, अभी बता रहा हूँ। और उसके बाद से क्या है तुम्हारा AlCl3 है, AlCl3 के बाद तुम्हारा क्या हो गया, AlCl3 के बाद तुम्हारा हो जाता है एक और कंपाउंड है, हाँ ICl3। ये पाँच कंपाउंड है हमारे कोर्स में, और ध्यान रखो जहाँ जहाँ क्लोरीन है, ठीक है, जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ वहाँ CH3 भी आ सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन भी, जहाँ जहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन है वहाँ वहाँ CH3 भी आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन की जगह CH3 आ जाता है, और यहाँ पे BeH2 का होल ट्वाइस की जगह में तुम्हारा क्या आ जाता है, CH3 भी आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है और जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ CH3 भी आ सकता है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो चार ही हाइड्रोजन इससे रिप्लेस, तो ये इस बात को ध्यान रखो जहाँ जहाँ क्लोरीन होंगे वहाँ वहाँ आपका क्या आ जाएगा, CH3 भी आ सकता है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, जहाँ जहाँ क्लोरीन होगा वहाँ क्या आएगा, CH3 आएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करना है उसका तरीका मैं बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा एक पॉइंट तुमको पकड़ना है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक कंपाउंड यहाँ ले लेता हूँ, जैसे BS3 ले लेता हूँ। ठीक है, BS3 डाइमराइज होके इसके दो भाई मिलके क्या बनाएंगे, B2H6 बनाएंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे तुम्हारा AlCl3 ले लेता हूँ, इसके दो भाई मिलके डाइमराइज होंगे, Al2Cl6 बनाएंगे। दोनों में कंपैरिजन देखना, और ये दोनों समझ में आ गया बाकी आराम से इसका समझ में आ जाएगा, इन्हीं दोनों से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, देखो पहले तो मैं तो बना दूँ इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक, ऐसे हो गया, समझ में आया, बॉन्डिंग दिखा देता हूँ, थोड़ा माहौल बना लो। ठीक, उसी तरह एलुमिनियम के केस में भी होगा। देखो यहाँ Cl होगा, इधर Cl होगा, इधर Cl होगा, ठीक है, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। एक बात का ध्यान दो, ठीक है, अब ये डाइमर कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो ये जो पड़ोसी है, देखो पड़ोसी जो है, ठीक पड़ोसी है ना, यहाँ पे पड़ोसी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे पड़ोसी कौन है, यहाँ पे पड़ोसी क्लोरीन है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट एटम। अगर पड़ोसी के पास लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है, अगर लोन पेयर क्या है यहाँ पे, नहीं है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है यहाँ पे। अगर लोन पेयर नहीं होता तो जान लो ये सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऐसे आके यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और अगर लोन पेयर होता है किस पड़ोसी के पास, तो लोन पेयर ही वो कोऑर्डिनेट होता है बॉन्डिंग में, डाइमराइजेशन में। ठीक है, लोन पेयर ही कोऑर्डिनेट होता है, और जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये ऐसे बन जाता है आपका, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ब्रिज टाइप का एक बन जाएगा। ठीक है, ब्रिज टाइप का,
ठीक है, ब्रिज टाइप का बना कि नहीं बना, देखिए ये ब्रिज टाइप का, उसी तरह ये भी ब्रिज टाइप का बन गया। ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनने के कारण ही इन्हें हम कहते हैं ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड क्या होता है, ठीक, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए स्ट्रक्चर डाइमराइजेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ें आपसे पूछता है, क्या क्या चीज़ें पूछता है। पहली चीज़ ध्यान रखिए, पहली चीज़ जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम बोलते हैं ना, उसमें उसको पहचानते कैसे हैं। देखिए अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको कहते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोला हमने टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसी तरह ए और बी के बीच में कोई एटम सी है, मतलब ब्रिज बॉन्ड जैसे, ए और बी के बीच में कोई एटम सी है और इसके पास क्या है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होता है तो देखो इस टाइप का बॉन्ड क्या होता है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। अगर लोन पेयर, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे इस बॉन्ड में हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो यही सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, मतलब बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है, डीलोकलाइज होते हैं, ठीक ठीक है। तो तीन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं, ब्रिज बनाना टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तीन सेंटर के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और सिंपली बार बार आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यही चेक करना है कि जो पड़ोसी है, पड़ोसी उसके पास अगर लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है तो वो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, अगर लोन पेयर होता है तो क्या होता है, वो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है और ये अपना लोन पेयर दिया है तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तीन एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस तरह के बॉन्ड को थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि तीन सेंटर के बीच में चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और सिंपली आपको ये चेक करना है कि अगर पड़ोसी के पास लोन पेयर है तो वो क्या होगा, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं है तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। तो इन जनरल यहाँ पे रूल मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ, उसी को ध्यान में रखना। मैंने कहा ए और बी के बीच में कोई तीसरा एटम सी है, ब्रिज एटम, और इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। और वही ए और बी के बीच में कोई एटम सी है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा आपका, लोन पेयर है तो ये थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सिंपली थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पहचानने का तरीका क्या होता है कि लोन पेयर नहीं है तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो तो हमें क्या करना है, इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या देखना है तुमको कि पड़ोसी के पास लोन पेयर है कि नहीं है, ठीक। तो क्लोरीन के पास भैया मेरे लोन पेयर होता है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, सब चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी क्लोरीन के पास क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर होता है, रिजेक्टेड, ठीक। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है लोन पड़ोसी, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल, मिथाइल के पास भी लोन पेयर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, मिथाइल के पास लोन पेयर नहीं होता है सी एस थ्री के पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा कि कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो, तो क्या हो जाएगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ठीक है। पड़ोसी के पास लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी देखो क्लोरीन है तो यहाँ पे नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा कौन सा किसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा किसमें नहीं होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछा है। सिंपली देखो कौन सा पड़ोसी, पड़ोसी देखो पड़ोसी के पास लोन पेयर है, सिंपली थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। ए एल टू सी एल सिक्स पड़ोसी क्लोरीन है, लोन पेयर है, यहाँ भी पड़ोसी क्लोरीन है, लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ भी पड़ोसी क्लोरीन है, लोन पेयर है, तो सभी के पास क्या हो जाएगा, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा, समझ में आए। तो बस तुम्हें पड़ोसी को चेक करना है, अगर थ्री सेंटर या टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोले या टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोले, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब चलते हैं, ये पहली चीज तो ये पूछता, अब चलता है, चलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, ठीक। एक चीज एक बातें बता रहा हूँ, देखो हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसको बढ़िया से बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बोरोन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर बोरोन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक, इधर एल्युमिनियम,
ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बढ़िया से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन जो है ना यहीं से आते हैं, सिंपल वाले तो वैसे आ जाएंगे, थ्री किस में थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कौन डाइमर बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा। अच्छे क्वेश्चन क्या आते हैं, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के ऊपर चर्चा करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान दो यहाँ पे बोरोन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ चार हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, sp3 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, प्लेनर होती है कि नॉन प्लेनर होती है, ठीक है, प्लेनर होती है कि नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर होता है कि सारे एटम एक प्लेन में थोड़े आते हैं टेट्राहेड्रल में, तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। क्यों, क्योंकि ऐसे देखो यही एटा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये देखो ये तीन एटम एक प्लेन में आ जाएंगे लेकिन ये सेंट्रल एटम और ये उसके ऊपर वाला एटम एक प्लेन में नहीं आएगा, तो इसमें ऐसे ही देख लो कि कितने एटम एक प्लेन में आ रहे हैं। जैसे ये वाला प्लेन हम लेंगे तो देखो तीन एटम नहीं दिखाई दे रहे लेकिन दो एटम दिखाई दे रहा है, तीन एटम एक प्लेन में आ जा रहा है। अगर ये वाला भी ले लें हम, ये वाला, तो देखो क्या हो रहा है, तीन ही एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, दो नहीं आ रहा है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो एक प्लेन में कितने एटम आते हैं, तीन ही एटम आते हैं, इसको ध्यान में रखना, अभी यूज़ करेंगे इसका। तो ये ज्योमेट्री क्या है, नॉन प्लेनर है क्योंकि सारे एटम एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं। तो तीसरी बात क्या पूछ देगा कि कितने नंबर ऑफ एटम B2H6 में एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स लाइज इन अ सेम प्लेन इन B2H6, ठीक है, B2H6 में कितने एटम एक प्लेन में है। तो यहाँ पे देखो एक मैंने क्या बताया, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या कितने एटम एक प्लेन में आते हैं, तीन एटम, ठीक है। तो इससे तीन एटम एक प्लेन में आएंगे, एक sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन से, तो दो sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन से कितने एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, सिक्स एटम एक प्लेन में आएंगे। तो छह एटम जो होते हैं ना वो लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में, तो छह एटम जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। और इन छह एटम में से तुम्हारा जानते हो ये चार टर्मिनल, देखो इस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं, इस वाले बॉन्ड को टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है, टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं, और इस वाले को ब्रिज बॉन्ड कहते हैं, ये वाले बॉन्ड को इसको कहते हैं ब्रिज बॉन्ड, ठीक है, टर्मिनल बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड। तो जो छह एटम है उनमें से ये जो चारों हाइड्रोजन टर्मिनल वाले हैं, चार टर्मिनल एटम आते हैं, चार टर्मिनल एटम आते हैं और दो क्या होता है, सेंट्रल एटम आता है, ठीक है। ये जो छह एटम एक प्लेन में आएंगे ना उसमें से चार ये टर्मिनल एटम होंगे और दो ये सेंट्रल एटम होंगे, ठीक। और ये जो ब्रिज वाला ना, ब्रिज इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये ब्रिज इसके परपेंडिकुलर होता है, बात समझ में आ रही हो। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में से ये तीन बातें पूछता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री में से क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन होया है उसके अबाउट जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन इसलिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन बहुत ही बड़ा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हर जगह हाइब्रिडाइजेशन यूज हो सकता है, ठीक है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन मैंने बेहतर तरीके से पढ़ा है, उसको पढ़ लेते तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, हम जानते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नॉन प्लेनर है, हाँ, ठीक। उसके बाद से इसमें कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो छह एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो तीन एटम एक प्लेन में लाई करते हैं, तो दो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एटम से छह एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, और वो छह एटम कौन से होंगे, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे और ये दोनों बोरॉन सेंटर एटम होगा, ठीक। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये सारी बातें इसके लिए भी लाई करेंगे, AlCl, ठीक है, AL2CL6 के लिए भी ये सारी बातें होंगी। सिर्फ एक चीज़ यहाँ डेफर करती है कि यहाँ पे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है और यहाँ पे कौन सा होता है आपका, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसके ब्रिज एटम के पास लोन पेयर है, इसके ब्रिज एटम के पास लोन पेयर नहीं है, बस यही डिफरेंस होता है, बाकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। उसी तरह यहाँ चारों ये टर्मिनल क्लोरीन और ये दोनों सेंट्रल एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, छह एटम यहाँ भी लाई करेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होगी, बात समझ आ रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछता है, उसके बाद क्या पूछ लेता है, बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछता है, तो बॉन्ड लेंथ का भी सेम ही होगा, इन जनरल ऑर्डर मैं बता दे रहा हूँ। तो देखो सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ वैसे भी दिख रही है यार इतनी ज़्यादा, तो सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्ड सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेंट्रल एटम टू क्या होता है, ब्रिज एटम, ये ब्रिज एटम, ठीक है। अगर इस बॉन्ड लेंथ को एक्स मान रहे हैं, इसको वाई मान रहे हैं, और ये वाली टर्मिनल बॉन्ड लेंथ होती है इसको जेड मान रहा है, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया, सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सेंट्रल एटम टू ब्रिज एटम, ठीक, उसके बाद सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम। ये जनरल ऑर्डर है, हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करता है, सबके लिए ट्रू होता है, इसके लिए भी यही होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेंट्रल एटम टू ब्रिज एटम, और उसके बाद से क्या है ये टर्मिनल वाली, ठीक। तो ये इन जनरल याद रख लो, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, देखो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा मैं बताता हूँ। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ना ऐसे क्लॉकवाइज जाना, ठीक है। बॉन्ड एंगल ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ेगा, अगर ये अल्फा है और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है बीटा है, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है ये गामा है, और यहाँ भी एक बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये डेल्टा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज बॉन्ड एंगल बढ़ता है ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब बॉन्ड एंगल के बारे में चर्चा करें, बॉन्ड एंगल के बारे में ये हमेशा होगा हर एटम, मतलब हर मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही होगा जो डाइमर या पॉलीमर का बनाएंगे, हर मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही होगा जो डाइमर या पॉलीमर बनाएंगे। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर मैंने क्या बोला, ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ेगा, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन गामा, गामा इज ग्रेटर देन डेल्टा। बात समझ आ रही है, ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैसे बढ़ेगा, देखो ये वाले बॉन्ड इक्वल होते हैं, ये भी ये अल्फा तो ये भी अल्फा होंगे, तो यहाँ पे इस राइट साइड से क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट साइड से क्या होगा क्लॉकवाइज बढ़ेगा। तो इसको तो कंपेयर कर सकते हो ना, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये गामा तो ये भी गामा, ठीक है, और ये वाला डेल्टा तो ये वाला भी डेल्टा, ठीक। तो ऐसे बढ़ता है अल्फा बीटा, ठीक है, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता है और लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता है, ठीक। और B2H6 में एंगल पूछ देता है आपको, तो ये वाला जो B2H6 का मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा ज्योमेट्री के अंदर की बातें थोड़ा पूछ लेता है, एंगल की वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। इन जनरल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही होगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही होगा कि बॉन्ड एंगल ऐसे लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज बढ़ेगा और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बात समझ आ रही है, और B2H6 के इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इसका होता है वेज डैश वाला, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। वेज डैश का मतलब होता है डैश वाला बोर्ड के प्लेन के अंदर होता है, वेज वाला बोर्ड के प्लेन के बाहर होता है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है B2H6 का, ये एंगल जो होता है ना आपका 120 डिग्री होता है, ठीक, और ये वाला एंगल जो होता है वो 97 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ना ब्रिज बॉन्ड लेंथ, वो 131 पिकोमीटर होती है। बात समझ में आ रही है, और ये वाली जो टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ होती है ना वो 119 पिकोमीटर होता है। ऐसे थोड़ी वैल्यू याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि एक बार एम्स में आ गया था कि ये दोनों बॉन्ड एंगल की वैल्यू पूछ लिया था, तो 120 डिग्री और ये 97 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक। और ये बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर ऐसे ही होगा, बॉन्ड लेंथ इतनी उतनी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें किसी भी ज्योमेट्री से पूछ सकता है आपको, पहली क्या कि प्लेनर है ज्योमेट्री की नॉन प्लेनर, ठीक। दूसरा कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से, हमेशा टर्मिनल वाले और सेंट्रल एटम, तो हमेशा टर्मिनल वाले एटम और सेंट्रल एटम एक प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या मैंने बताया, इन जनरल होता है कि सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम ज़्यादा, उसके बाद सेंट्रल एटम टू ब्रिज एटम, उसके बाद सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, ठीक। और एंगल के बारे में मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड से एंगल क्लॉक वाइज बढ़ेगा, ऐसे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन गामा, गामा इज ग्रेटर देन डेल्टा, ठीक। तो इतनी ही बातें पूछता है। और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पहचानने का डायरेक्ट तरीका, अगर पड़ोसी के पास लोन पेयर नहीं है तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इतनी ही चीज़ें पूछता है, बाकी भी स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे कोर्स में मैंने क्या बताया आपको, BeH2 है और BeCl2 है, ठीक है, ये दोनों आपके डाइमर भी बनाते हैं, Be2H4 भी बनाते हैं, और साथ ही साथ पॉलीमर भी बनाते हैं, BeH2 का होल एन भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनका भी स्ट्रक्चर सेम उसी तरह होगा, बनाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक। BeCl2 का होल एन, दोनों डाइमर बनाते हैं और पॉलीमर भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, ये बेरेलियम हो गया, ये बेरेलियम होगा, यहाँ क्लोरीन ऐसे कोऑर्डिनेट कर देगा, यहाँ क्लोरीन ऐसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो डाइमर के फॉर्म में ऐसा होता है। और इसके पॉलीमराइजेशन कैसे हो जाता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक से बहुत, पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे एटम पार्टिसिपेट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ठीक है, एन नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे। तो इन जनरल हम ऐसे करके एन मान लेते हैं,
ठीक है। उसी तरह जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक चीज पूछता है यहाँ पे, जैसे कि जो भी बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे देखो बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन के पास लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग होगी। और ये बैक बॉन्डिंग किस कैरेक्टर का है? पाई कैरेक्टर का है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो किस कैरेक्टर का? सिग्मा कैरेक्टर का है। समझ में आ रही है जो लोन पेयर? तो यहाँ पे एक जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, वो एक तरह का डेटिव बॉन्ड भी होता है, जैसे कि डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है कि एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे के पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग की कंडीशन ये होती है कि पहले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक मौजूद होना चाहिए, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। एक के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उनके बीच बॉन्ड नहीं है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है या बैक बॉन्डिंग हो रही है, क्या पाई डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसको, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये सिग्मा है तो दूसरा वाला पाई बनेगा, और यहाँ पे पहले कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पूछ देता है कि किस मॉलिक्यूल में आपका सिग्मा डेटिव बॉन्ड और पाई डेटिव बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं? तो Be2Cl4 में आपका दोनों सिग्मा डेटिव बॉन्ड भी होता है, पाई डेटिव बॉन्ड भी होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सिग्मा डेटिव बॉन्ड एंड पाई डेटिव बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट? तो BeCl2 में प्रेजेंट होता है। Bf4- NH4+ और BeF4- में क्यों नहीं होता? चलिए इसको भी बता देता हूँ। जो जैसे NH4+ तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चार तीन हाइड्रोजन ऐसे होंगे जिसके पास एक लोन पेयर होता है, और H+ आता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे देता है, ये देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसने लेता है तो इस पे नेगेटिव आता है, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं, इसलिए NH4+ बना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? सिग्मा कैरेक्टर का है, पाई कैरेक्टर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड क्या था यहाँ पे? दूसरा कंपाउंड था आपका BF4- था। उसी सेम उसी तरह देखिए, बेरिलियम के पास क्या होंगे? तीन फ्लोरीन होंगे, ठीक है। बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक फ्लोरीन F- के तौर पे आएगा और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट कर देगा। कोऑर्डिनेट क्या इसने दिया? तो इसने दिया तो इस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इसने लिया तो इस पे नेगेटिव आया। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक दूसरे को क्या कर लिए? न्यूट्रलाइज कर लिए, इसलिए BF4- बना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है? सिग्मा डेटिव बॉन्ड है, पाई डेटिव बॉन्ड नहीं है, ठीक। उसी तरह सेकेंड कंपाउंड क्या था? सेम वही तरह BeF4-2 था, तो सेम वही आगा यार। देखो दो फ्लोरीन ऐसे होंगे और दो फ्लोरीन F- के रूप में आएंगे, F- के रूप में ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट कर देंगे, क्योंकि बेरिलियम के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव आया, इसने भी दिया तो इस पे पॉजिटिव आया, इसने लिया तो एक नेगेटिव यहाँ से आया और एक नेगेटिव इस फ्लोरिन से आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बन क्या जाएगा आपका? BF4-2। बात समझ में आया? इसमें भी क्या है? तुम्हारा सिग्मा डेटिव बॉन्ड है, लेकिन Be2Cl2 में क्या है? देखो यहाँ से पाई डेटिव बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ से सिग्मा डेटिव बॉन्ड मिल रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? Be2Cl2, जिसमें बहुत सिग्मा डेटिव बॉन्ड और पाई डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। डेटिव बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो बस यहाँ पे यही बातें ध्यान देने वाली थी, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें वही प्रीवियस वाली हो जाएंगी। प्रीवियस वाली क्या हो जाएंगी? BeCl2 के बारे में बात करें, इसके डाइमर के बारे में, तो डाइमर के बारे में बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है? बेरिलियम का SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन है आपका SP2, और दोनों बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? SP2 होता है। SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ज्योमेट्री का होगी कैसे? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ये, समझ में आ रहा है? तो ये ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, मतलब सारे एटम जो होते हैं वो एक प्लेन में लाई करेंगे। नाम में प्लेनर आ रहा है, तो हर एक एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ये प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। हर एक ज्योमेट्री के अबाउट यही बात है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो, उस और उस हाइब्रिडाइजेशन के अबाउट ज्योमेट्री क्या है, वो ज्योमेट्री प्लेनर है कि नहीं है, ठीक है। प्लेनर है तो कितने प्लेनर होगी? तो सारे एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, तो ओवरऑल 6 एटम एक प्लेन में लाई करेंगे इसमें, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में। उसके बाद क्या पूछता था आपका? उसके बाद बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड, देखिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर वही सेम प्रीवियस वाला, प्रीवियस मैंने जो बताया, ठीक है, कि सेंटर एटम टू सेंटर एटम वाली ज़्यादा होगी, उसके बाद सेंटर एटम टू ब्रिज वाली ज़्यादा होगी, उसके बाद से सेंटर एटम टू टर्मिनल वाली ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? और बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वही क्लॉकवाइज बढ़ता है और एंटी क्लॉकवाइज घटता है,
और इधर से राइट लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? ठीक, यहाँ पे भी सारी बातें वही लाई करेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस पी थ्री है, हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी थ्री है, हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी थ्री है, तो सारी प्रीवियस बातें ही यहाँ पे लाई करेंगी। समझ में आ रहा है? सारी प्रीवियस बातें कि हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, नॉन प्लेनर स्केलेटन होगा, ठीक है, नॉन प्लेनर, टोटल नंबर ऑफ कितने पॉलीमर है तो इसमें बता नहीं सकते कितने एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर वही हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि बॉन्ड एनर्जी में इसमें विवाद होता है। बॉन्ड एनर्जी में अभी मैं जस्ट बताता हूँ क्या होता है बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो इसका जान रहे हो, इसके बारे में इतनी बात याद रखना। बस एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि इसके पड़ोसी के पास लोन पेयर नहीं है, इसके पड़ोसी के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा ये, और इसके पास लोन पेयर नहीं है तो क्या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। बस बेसिक डिफरेंस है ये बॉन्डिंग में, बाकी सारी चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा तुम्हारा, हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, प्लेनर होगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सेम वही चलेगा, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, वो देखो जैसे कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट हो रहा है किसका कंप्लीट नहीं हो रहा। पहले तो देखो ये सिंपल, अगर कहाँ बताऊँ इसको यार, जैसे ये जब सिंगल था BeH3 के फॉर्म में, तो ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होगा, मतलब ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट था, छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। उसी तरह यहाँ पे भी AlCl3 के केस में भी ये ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था, छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक। लेकिन जब ये क्या बना रहा है, डाइमर बना ले रहा है, तो इसको वैलेंस सेल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसका ऑक्टेट क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये दो इलेक्ट्रॉन ही, मैंने क्या बोला, दो इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ मैंने बताया आपको कि दो इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक। तो मान लीजिए ये तीन बॉन्ड तो मान लो इसके इसके मतलब खाते में है, 1 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभी घूम के इसके पास चला जाता है, कभी कभी घूम के इसके पास चला आता है, मतलब इनके बीच डीलोकलाइज होता रहता है। तो जब यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। अगर यहाँ पर होगा तो इसका ऑक्टेट कम्प्लीट होगा, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर जिस बोरोन के पास जाएंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे वाले का इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं और सबका ऑक्टेट बारी बारी कंप्लीट करते हैं। जैसे बोरोन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास में है तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जब बोरोन के पास जाता है तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन के पास जाता है तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इस बेरिलियम के पास जाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट जो है ना वो मोमेंटली कंप्लीट हो रहा है, मोमेंटली मतलब एक एक क्षण पे कंप्लीट हो रहा है, कभी कभी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इन B2H6, ठीक है, B2H6 मॉलिक्यूल, इन B2H6 मॉलिक्यूल ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीटेड, ठीक है, ईच एटम, सभी एटम का ऑक्टेट क्या मोमेंटली कंप्लीट कर रहा है। इन जनरल एक रूल याद रखो हमेशा कि इफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर है, ठीक है, अगर लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टेट मोमेंटली कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है? देखो ब्रिज एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो वो क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीटली मतलब मोमेंटली कंप्लीट होगा। जैसे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के केस में तुम्हारा क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, और वही अगर थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब पड़ोसी के पास लोन पेयर है, ये पड़ोसी के पास लोन पेयर तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, सिंपली ऐसे देख के पहचान जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो बाकी सारी बातें के बारे में हो गया, ये सारे हो गए, और क्या बताना था, हाँ बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ को बता दिया, और कुछ बच गया, एक मॉलिक्यूल और बच गया तुम्हारा, ICl2।
ICl3 जब डाइमर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, I2Cl6 बना लेगा, बाकी सारी चीज़ें वही चलेंगी यार। डाइमराइजेशन इसका कैसे होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, यहाँ पे क्लोरीन होगा, ठीक, ये डाइमर बना लिया। यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन यहाँ डिफरेंट होता है। तो ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ का क्लोरीन डोनेट करेगा। तो ध्यान से दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करें तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जितनी और पड़ोसी क्या करते हैं, यहाँ पे एक 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। इस वाले बॉन्ड में आयोडीन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन ये किसका है, क्लोरीन का, क्योंकि कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आयोडीन अपना कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते हैं, ठीक। तो 3 इलेक्ट्रॉन आयोडीन अपना बॉन्ड में फॉर्मेशन किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ जाएगा, आपका sp3d2, sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास ऐसे करके 2 लोन पेयर होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, 2 लोन पेयर होगा ऐसे करके, ठीक है, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर, तो इसका सेप क्या आ जाता है भैया मेरे, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर आ जाए तो स्क्वायर प्लेनर शेप बनता है, स्क्वायर प्लेनर शेप, नाम में प्लेनर आ रहा है, तो ज्योमेट्री प्लेनर हो कि नॉन प्लेनर, प्लेनर होगी भैया, ज्योमेट्री प्लेनर, नाम में ही प्लेनर आ रहा है। अगर ज्योमेट्री प्लेनर है तो सभी एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, मैंने क्या बोला, प्लेनर ज्योमेट्री आ जाए तो हर एक एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, तो 8 एटम जो होंगे ना, लाइज इन अ सेम प्लेन, लाइज इन अ सेम प्लेन, बात समझ में आ रही है, ऐसा होता है। चीज़ें आसान है, मैं बता दे रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर तो प्रीवियस वाला ही चलेगा, प्रीवियस वाला क्या, सेंट्रल एटम ज़्यादा, उसके बाद सेंट्रल एटम टू ब्रिज एटम, उसके बाद सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर चलेगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर वही चलेगा आपका क्लॉक वाइज, बॉन्ड एंगल लेफ्ट साइड से बढ़ेगा और राइट साइड से एंटी क्लॉक वाइज बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है, हाँ। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। I2Cl6 सिंपली हर एक मॉलिक्यूल जो भी मैंने बताया ना, BH3 हमारे मॉलिक्यूल, हमारे कोर्स में B2H6 है, BH3 का डाइमर, BeCl2 का है, तो सिंपली आपको यही पूछता है किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी जो बातें तो मैंने, अब बॉन्ड एनर्जी के बारे में मैं एक थोड़ा बता देता हूँ, B2H6 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी के बारे में सब बोलते हैं, जैसे B2H6 की रिएक्शन क्या मिथाइल क्लोराइड से कराते हैं हम लोग, तो कहते हैं सब BeH2CH3 का होल फोर बनता है, मतलब ये जो सारे टर्मिनल बॉन्ड होते हैं ना, ये जो सारे टर्मिनल बॉन्ड होते हैं, टर्मिनल वाले हाइड्रोजन, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, इसलिए सब कहते हैं कि टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो टर्मिनल वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिज वाले। जबकि हमने क्या देखा था कि ब्रिज, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी आपकी, 131 पिकोमीटर थी, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या थी आपकी, 119 पिकोमीटर थी। रूल के हिसाब से बॉन्ड एनर्जी जो होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना B2H6 मॉलिक्यूल में, B2H6 मॉलिक्यूल बोल लीजिए या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के केस में, उसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है वही आपका किसका ऑर्डर होता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। ये कैसे होता है पता नहीं यार, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, लेकिन इन जनरल मैं बता दूँ थ्योरेटिकली तो ऐसे, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ही, इन दो बॉन्ड के बीच एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, ये ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो दोनों बॉन्ड का हाफ हाफ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका भी हाफ बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो हाफ हाफ मिला के तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर होता है एक इन पूरे बॉन्ड का, दोनों बॉन्ड का। लेकिन टर्मिनल बॉन्ड में कम्प्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि कभी भी अगर बॉन्ड टूटना रहता है तो ये टर्मिनल वाले बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, टर्मिनल वाले बॉन्ड टूटते हैं, इसलिए यहाँ पे
जो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है उसके केस में ये ऐसा हो जाता है कि टर्म क्या बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है। तो इन बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल ये ध्यान में रखना कि ये जो टर्मिनल बॉन्ड लेंथ है ना वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा भी होती है और साथ ही साथ इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। समझ में आया बी टू एच सिक्स मॉलिक्यूल के बारे में जानना। बाकी सबके केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा वही सेम ऑर्डर चलेगा कि बॉन्ड एनर्जी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के केस में भी ऐसा चलेगा। ठीक है, लेकिन थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड में के केस में ऐसा चलेगा कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इस बात को याद रखना। लेकिन एक्चुअली में बॉन्ड एनर्जी पूछेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे विवाद हैं, इसलिए कभी भी बॉन्ड एनर्जी का जिक्र नहीं करता है। लेकिन जिक्र कर दे तो ऐसा कर देना, ठीक है, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो टर्मिनल वाले बॉन्ड टूट जाता है। टर्मिनल वाला बॉन्ड पहले टूटता है तो हम कहते हैं जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो वो पहले टूट जाता है। समझ में आया? तो ऐसे सारी चीज़ होती है। अब सवाल लगवा दूँ आपको, सवाल लगवा दूँ जिससे आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, सवाल कैसे हैं भैया, आओ देखते हैं। द नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल ऑफ डाइबोरॉन, डाइबोरॉन में बी टू एच सिक्स में कितने थे भैया? जितने ब्रिज बॉन्ड होंगे उतने थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे अगर पड़ोसी के पास लोन पेयर नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें बी टू एच डाइबोरॉन में दो आपके ब्रिज बॉन्ड थे और दोनों में ब्रिज एटम कौन सा था? हाइड्रोजन था, जिसके पास लोन पेयर नहीं था, तो दो हो जाएंगे थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्टेट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। मैंने क्या बोला, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना है कि अगर पड़ोसी के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन ध्यान में रखिए आप, हाइड्रोजन और सी एस थ्री के पास लोन पेयर नहीं होता, मतलब पड़ोसी हाइड्रोजन और सी एस थ्री है तो ये थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा और साथ ही साथ ऑक्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, लोन पेयर नहीं है तो मोमेंटली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड में ऐसे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता रहता है और बारी बारी सबका ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और अगर लोन पेयर है मतलब मेनली क्लोरीन हो जाएगा आपका। ठीक है, मेनली क्लोरीन आएगा, लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है और ऑक्टेट क्या होता है आपका, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट सी का मतलब कंप्लीट, आई सी का मतलब इनकम्प्लीट, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, बी और सी में से हो सकता है कंप्लीट ऑक्टेट। अब यहाँ देखते हैं ए एल टू सी सी एस थ्री का, सी एस थ्री के पास लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर नहीं होता तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। तो भैया मेरे यहाँ भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट दिया रहा है, तो बी और सी के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक, उसके बाद ए एल एफ थ्री के केस में यहाँ भी ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट, भले डाइमराइजेशन नहीं होता लेकिन बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा भैया, ये सी, यहाँ पे इनकम्प्लीट बोल रहा है, पड़ोसी के पास लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बैक बॉन्डिंग से, तो ये कंप्लीट वाला ऑक्टेट मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। फिर भी मैं चेक करा देता हूँ, डाइमर ऑफ बी ई सी एल टू, पड़ोसी के पास लोन पेयर है लेकिन ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, मैंने बताया डाइमर के केस में बी ई सी एल टू के, बी ई सी एल टू के डाइमर के केस में ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट रहता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है डाइमर केस में। समझ में आया, डाइमर के केस में। उसके बाद से क्या बोलता है, डाइमर ऑफ बी ई एच टू, बिल्कुल ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं, पड़ोसी के पास लोन पे आ रहा है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लोन पे एक्चुअली में कंप्लीट होना चाहिए इसका बी सी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो जा रही है ना। देख लेते हैं आंसर 197 का क्या दिया हुआ है, 197 का सी ही दिया हुआ है, डाइमर के केस में ऑक्टेट इनको, क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं है, डाइमर बना रहा है तो बैक बॉन्डिंग को क्यों ऑब्जर्व करेंगे, तो डाइमर ऑफ बी सी एल टू के केस में ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, आंसर आपका सी ही होगा। बात समझ में आ रही है? आंसर से ही होगा। ठीक, इसी के केस में एक्सेप्शन है कि अगर लोन पेयर रहता है तो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, बाकी सबके केस में ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ठीक है, बाकी सबके केस में अप्लाई हो जाएगा कि लोन पेयर है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। ठीक है, और लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा आपका, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। बात समझ में, तो ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऐसे पहचानते हैं हम लोग। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पे भी करवा देता हूँ मैं। ठीक है, जितना क्वेश्चंस मैं लगवा दूँ, जो कॉन्सेप्ट बता दूँ उतना प्रिपेयर करो, बाकी बाहर सवाल नहीं आएंगे। ठीक, तो फाइंड आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन आई सी एल सिक्स एंड ए एल टू सी एल सिक्स, बोथ हैव थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ, बात सही है, क्यों, क्योंकि दोनों के पास, पड़ोसी के पास लोन पेयर है तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। बोथ हैव एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंटर एटम, बात गलत है, सिमिलरिटी पूछ रहा है तो ये बात गलत हो जाएगी।
ठीक है, दोनों के पास क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3d2 आया था और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया था, ठीक है। बोथ आर नॉन प्लेनर, Ic2Cl6 प्लेनर ज्योमेट्री थी, मैंने बताया आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आया और जब शेप क्या था, स्क्वायर प्लेनर था, तो ये प्लेनर था और ये नॉन प्लेनर था, तो सिमिलरिटी पूछा है ना, तुम दोनों के पास क्या हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है, Al2Cl6 के पास क्या है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ऑल कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, एल्युमिनियम के डाइमर के में सभी कार्बन एटम क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक। Al2Cl6 क्या होता है, नॉन प्लेनर नहीं होता है, प्लेनर होता है भैया, अभी मैंने बताया Al2Cl6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, सभी एटम एक प्लेन में लाई करते हैं, ये प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। और ये वाले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले नॉन प्लेनर होते हैं, बात सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट देखना है तो वही देखो, पड़ोसी के पास लोन पेयर है कि नहीं है, पड़ोसी के पास लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं होगा, तो यहाँ देखो इथाइल है C2H5, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं उनके पास लोन पेयर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे भी लोन पेयर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। मिथाइल है CH3 है, लोन पेयर नहीं है, यह भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। और B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है क्योंकि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन बारी बारी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक का कंप्लीट होता है तो बाकी का अनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, तो ओवरऑल क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ही बोलेंगे ना, तो B2H6 में क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और सिलिकॉन यहाँ तो डाइमर है ही नहीं यार, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 CH3 जुड़े हुए हैं, तो सभी बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ कंपेयर करने दिया हुआ है, ये एक्स इस बॉन्ड लेंथ को एक्स बता दे रहा है, इसको वाई बता दे रहा है, बात समझ में आ रही है, तो एक्स इसको बता रहा है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया सेंटर एटम टू सेंटर एटम बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सेंट्रल एटम टू ब्रिज बॉन्ड, उसके बाद सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, तो आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। सिंपल चीज़ें होती हैं, ठीक है, सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने दिया, बॉन्ड एंगल मैंने क्या बोला, राइट साइड से एंटी क्लॉक वाइज बढ़ेगा, राइट साइड से एंटी क्लॉक वाइज, तो एक्स इज ग्रेटर देन जेड, जेड इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पे जेड होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि एक्स और वाई को ही कंपेयर करने दिया हुआ, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है इससे, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल जितनी चीज़ें बताया हूँ आप उतने याद रखिए, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछेगा तो आपको ऐसे इस डायग्राम बना के दे सकता है, ठीक है। बाकी और क्या आपको बताना है, सब चीज़ें तो वही है, देखिए बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा है तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इससे, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे बॉन्ड यहाँ कंपेयर द बॉन्ड एंगल बोला है, सिंपली ये वाला बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तो यहाँ भी वाई ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं मैंने बताया ना, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज यूज टू फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोथ चैन पॉलीमर ऑफ BE, एक सेकेंड, अगर आपको ओवरलैपिंग के बारे में पूछ रहा ना, ओवरलैपिंग के बारे में सिंपली ओवरलैपिंग आपको पहचाननी कैसी है, मैं बता देता हूँ, बस सिंपली बता दे रहा हूँ, बता लेंगे, जैसे कि देखिए यहीं पर मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे देखिए बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, बड़ा आसान है यार, हाइब्रिडाइजेशन से ही ओवरलैपिंग बता लेंगे हम लोग। और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है, दो ही केस बनेगा, दोनों केस बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या हो जाएगा आपका sp3 होगा, और हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, ठीक। तो ओवरलैपिंग यहाँ ओवरऑल ये जो ब्रिज बॉन्ड होता है ना, ओवरऑल ब्रिज बॉन्ड, इसमें ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के केस में, ओवरलैपिंग आपकी sp3 s sp3, मतलब इस बोरोन का sp3 ऑर्बिटल, इस बोरोन का sp3 ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी तरह यहाँ पे देखो sp3 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 ओवरलैपिंग हो जाएगी, कैसे,
इस एल्युमिनियम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस क्लोरीन का भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस एल्युमिनियम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करके इस बॉन्ड का बना रहे हैं, इस बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऐसे पहचानते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसका वही ओवरलैपिंग हो जाती है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या बोला है, बेरिलियम BeCS3 का होल ट्वाइस बोल रहा ना, तो चैन पॉलीमर में पूछ रहा है। तो सिंपली मैंने क्या बताया, चैन पॉलीमर के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ बेरिलियम है, चैन पॉलीमर बोल रहा है, तो ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे यार, CH3 CH3, यहाँ बेरिलियम, यहाँ बेरिलियम, ऐसे करके चैन पॉलीमर बोल रहा है ना, तो ऐसे करके एन हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp3 होगा, और मिथाइल का भी हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो यहाँ पे जो क्या नाम है आपकी, ओवरलैपिंग कैसी हो जाएगी, ओवरलैपिंग आपकी हो जाएगी sp3 और sp3 ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरलैपिंग पहचानने का तरीका यही होता है, ओवरलैपिंग पहचानने का तरीका यही होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम, ब्रिज एटम और सेंट्रल एटम का, उसी टाइप की ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन चैन पॉलीमर ऑफ BeMe2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा sp3 sp3 sp3। अभी मैंने देखा, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसलिए बोल रहा है कि मैंने बोला CH3 और हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता, तो ब्रिज बॉन्ड उनका क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एक किस तरह का होता है, किस तरह का होता है, बनाना की तरह होता है। ठीक है, बनाने की तरह होता है। और कुछ क्या, ये बॉन्ड एंगल के बारे में करवा चुका है यार। सिंपली देखो, BeOCS3 का होल ट्वाइस इन हाईली पॉलीमर एंड सोलबल इन हाइड्रोजन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द पॉलीमर। देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर है तो किस टाइप का बॉन्ड हो जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। बेरिलियम का केस है, बेरिलियम के पास में लोन पेयर हो सकता है, ठीक है, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी क्या दिया, इसमें तो टोटली कंपाउंड ही अलग है, एल्युमिनियम और क्या है, ब्रोमीन है, और इंडियम और आयोडीन है। तो यहाँ पे क्या होगा यार, जिसकी साइज छोटी हुई वो बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो ये एल्युमिनियम का साइज इंडियम से छोटा होता है, ब्रोमीन का साइज आयोडीन से छोटा होता है, तो साइज यहाँ पे छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, साइज यहाँ पे बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ये इसका सवाल नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस का सवाल ही है, कॉमन सेंस का। ठीक है, तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल आते हैं यार ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड में, कि सिंपली आपको बॉन्ड कौन, कितने ब्रिज बॉन्ड है, कैसे, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका नहीं है, कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो सिंपली ये सब याद रखो कि हाइड्रोजन और मिथाइल के पास लोन पेयर नहीं होता तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। सिर्फ बेरिलियम के केस में ही वो जो BeCl2 का डाइमर होता है उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर, कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक, चारों टर्मिनल एटम और 2 सेंट्रल एटम एक प्लेन में लाई करते हैं। सिर्फ और सिर्फ I2Cl6 के केस में क्या था, I2Cl6 के केस में कि सारे एटम एक प्लेन में लाई कर रहे थे, क्योंकि ये प्लेनर ज्योमेट्री थी, स्क्वायर प्लेनर शेप आ रहा था, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और हट के क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जितनी पॉसिबिलिटी बढ़, और बॉन्ड लेंथ के बारे में मैंने इन जनरल बता दिया, सबके केस में होता है कि सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, सेंट्रल एटम उसके बाद सेंट्रल एटम टू ब्रिज एटम, उसके बाद सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम। बात समझ आ रही? और बॉन्ड एंगल का क्या मैंने बताया कि लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज बॉन्ड एंगल बढ़ता है, ऐसे क्लॉकवाइज, और राइट साइड से क्या बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इतनी चीज़ें पूछेगा, सिंपली ध्यान से वीडियो को देखो और जो जितना बताएं उसको, मतलब उसको प्रिपेयर कर लो, जितने सवाल लगाए उतने कर लो, बाकी एक्स्ट्रा तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया ये ज़रूर बताना यार, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ, समझ में आया कि नहीं आया ये बताना, ठीक। इससे हट के कोई सवाल नहीं आ सकता, सारी वैरायटी के सवाल मैंने सॉल्व करा दिए, ओके। तो बताना ज़रूर समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।